आज हम इनका पीएमई के लिए डॉर्सलोरेक्टमी, सिलेक्टिव डॉर्सलोरेक्टमी और फिलर दोनों डालेंगे। मैंने पहले भी ये बताया था कि इसमें एक स्टडी है जिसमें देखा गया है कि जिन लोगों का ऑन एन एवरेज 30 सेकेंड्स तक टाइम होता है वो बढ़ के 5 मिनट तक हो जाता है, लेकिन 2-3 महीने लगते हैं क्योंकि आदत बदलने में टाइम लगता है। ये सर्जरी अभी भी, ये पेशेंट भी हमारे पास बहुत दूर बिहार से आए हैं। पिछले हफ्ते भी एक बिहार से पेशेंट आया था जिसका मैंने बताया था कि उन्होंने फ्रेनलोप्लास्टी सर्जरी जो 2 मिनट में हो सकती है, उसके लिए पेशेंट को 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा और पीठ में टीका लगा के, यानी स्पाइनल एनेस्थीसिया जिसमें हम पिनाइल इम्प्लांट डालते हैं, उस एनेस्थीसिया से सर्जरी की। देखिए, ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में हो सकती है, बहुत सेफ है, ठीक जगह से की जाए और बहुत ज्यादा अब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इसके पेपर्स आने लगे हैं। पहले तो मैंने बताया था कि ये सिर्फ ताइवान वगैरह में की जाती थी, चाइना में, जापान में, लेकिन अब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इसके पेपर आने लगे हैं। आप आके आराम से ये सर्जरी करा सकते हैं, करके वापस जा सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। और इसके साथ हम फिलर भी देंगे, फिलर में भी कोई पेन नहीं होता, ये कराने के बाद बिल्कुल भी पेन नहीं होता। आप इमीडिएटली, जैसे अब हम इनकी सर्जरी खत्म करेंगे और इनको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जो कि एंटीबायोटिक और पेन किलर होगी, और एक पट्टी करेंगे जिसको एक कल खोल देंगे, मतलब पट्टी भी जो होगी वो भी एक ही दिन रहती है, कल खोल के और फिर आपने जहां पे हमने टाके लगाए हैं उसको साबुन पानी से धोना शुरू कर देते हैं। 5-1 हफ्ते तक मेडिसिन चलती है और उसके बाद सारी मेडिसिन बंद हो जाती है। जो टाके लगते हैं ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं या टूट जाते हैं, कुछ भी मान लो 10 दिन बाद टाकों का कोई यूज नहीं होता, अगर वो टूट रहे हैं तो अपने आप वो डिसॉल्व हो जाएंगे, आपको उनको कुछ निकलवाने की जरूरत नहीं होती। इसमें दूसरी एक बड़ी बात है कि हम करते हैं तो मैंने बताया था स्किन को पीछे ले जाके करते हैं, तो कोई निशान भी नहीं आता, कोई निशान विजिबल नहीं होता किसी भी तरह का पेशेंट में सर्जरी के बाद, चाहे जब हम चीरा जितना भी लगा दें लेकिन कोई निशान नहीं आता। तो आप इसको करा के जा सकते हैं, फिलर देना बेटा। तो अब हमने इनकी सर्जरी कर दी है, अब इसका हम इसमें एक फिलर डालेंगे। फिलर में बेसिकली क्या होता है, फिलर एक तरह का जेल होता है जो इसके साथ अगर हम कंबाइन करें तो ये जैसे फिलर है तो ये जेल है और ये अंदर जाके सॉलिड हो जाएगा, तो एक लेयर बना देगा। जो छोटी मोटी नर्व्स बची होती है, सारी नर्व्स नहीं काटते, सिलेक्टिव डॉर्सलोरेक्टमी है, 2 नर्व्स हमने काटी है वो मैं दिखा देता हूँ अभी ये फिलर डालने के बाद, और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसा इनका रिजल्ट आएगा। तो नहीं है इसका वीडियो नहीं लेना, ठीक है ना। ये फिलर डाल दिया, बेसिकली आपने इस प्लेन में डालना है फिलर को कि वो नर्व्स के ऊपर है और बहुत ज्यादा सुपरफिशियल ना हो, अगर बहुत ज्यादा सुपरफिशियल होगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वहीं पे लगा रहेगा, एक तरह का ब्लिस्टर छाला बना देगा। तो मैंने देखे हैं, कुछ लोगों ने किया हुआ है, वो केस देखे हैं मैंने, वो अच्छा नहीं लगता। इसका इस प्लेन में जाना जरूरी है कि यहाँ पे जहाँ पे जाए वहां पे ब्लड सप्लाई अच्छी हो, जिस कारण से एक तो इसकी काम भी तभी करेगा और दूसरा एब्जॉर्ब भी होना चाहिए, यानी कि वो एब्जॉर्ब ही ना हो तो फिर वो काम नहीं करेगा। बैंडेज कर दो। ये हमने इनकी ये नर्व निकाली है, ये देखिए कितनी मोटी नर्व्स हैं और ये बर्न करते हैं हम, ये देखिए कितनी मोटी, दोनों तरफ से बर्न कर दी है। एक ये बड़ी मोटी नर्व है कि ये 2 नर्व निकाली है और एक ही पतली ऊपर नर्व थी, लेकिन ये इतनी रेलिवेंट नहीं है, ये दोनों मेन नर्व है, डोर्सल नर्व्स हैं जिनको हम जो हमने निकाला है। इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। थैंक यू।